हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और आज के एफटीआर सेशन में हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। सो आपका क्वेश्चन नंबर वन है, निम्नलिखित लेखकों को भारत में आने के क्रम में सजाइए, फाहयान, शुंगयुन, वेन सांग और इत्सेंग। आपके सामने कुछ यात्रियों के नाम लिखें, कुछ लेखकों के नाम लिखें और ये जिस क्रम में भारत में आए हैं उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको सजाना है और कुछ कोड्स दिए हुए हैं उसमें 1324, 2134, 1234 और 4123। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1234। मतलब जिस क्रम में दिए हैं ना क्वेश्चन में वही क्रम सही है। सबसे पहले फाहयान, फिर शुंगयुन, फिर वेन सांग और फिर इत्सेंग। तो देखिए ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, प्राचीन भारत के एकदम प्रारंभिक इतिहास से है जिसमें हम तलाशते हैं स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत थे, कई अभिलेख थे, कई सिक्के थे, कई ताम्रपत्र थे, कई किताबें थी जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। तो उन्हीं में से कई किताबें रहीं, कई लेखक रहे जिन्होंने उस वक्त के इतिहास पर रोशनी डाली थी। उसमें ख़ासतौर पर यूनानी लेखक रहे, चीनी लेखक रहे, ठीक है, और कुछ भारतीय लेखक रहे। तो कुछ चीनी लेखक जो हैं उन्होंने भी अपनी किताबों में भारत के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और ये लेखक एक्चुअली यात्री थे जो चाइना से इंडिया में आए थे और उन्होंने भारत यात्रा का विवरण, यहाँ की समाज, संस्कृति और राजनीति का विवरण अपने अपने किताबों में किया था। तो उन्हीं चीनी यात्रियों के बारे में ये सवाल है कि किस क्रम से ये भारत में आए। तो देखिए जो दिया गया ऑप्शन, मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि वो कब कब आए, यानी कि किस टाइम से किस टाइम तक ये भारत में रहे थे। सबसे पहले दिया हुआ है फाहयान, ठीक है। फाहयान जो है वो 399 से लेकर के 414 इस बीच में भारत में आए थे, ठीक है। सारे ईसवी में ही आए थे, याद रखेंगे। तो फाहयान जो है 399 से लेकर 414 के बीच में आए। दूसरे जो थे वो थे शुंगयुन। शुंगयुन 512 से लेकर 513 यानी इस बीच में इंडिया में आए थे एडी में। तीसरे हैं वेन सांग। वेन सांग जो हैं ये 629 से लेकर 645 एडी के बीच में भारत में थे। और चौथे हैं इत्सेंग। इत्सेंग 673 से 675 के बीच में भारत में आए थे। तो देखिए सबसे पहले 399 ने चौथी शताब्दी की शुरुआत में फाहयान आए थे। आप सभी जानते हैं कि फाहयान जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर गुप्त काल में आए थे, पहले चीनी यात्री थे, ठीक। और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था फूकियुकी। फूकियुकी किताब में इन्होंने उस समय भारत यात्रा का अपना विवरण किया था, भारत की दशा, राजनीतिक दशा बताई थी। तो सबसे पहले ये आए थे, पहले चीनी यात्री। फिर दूसरे आए शुंगयुन, 512 से 513 ईस्वी के बीच में, मतलब ये करीब करीब गुप्त काल का अंत हो रहा था तब शुंगयुन आए थे। और शुंगयुन जो है उन्होंने बिहार बंगाल वाले प्रांत में उस वक्त के तात्कालिक जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हालात थे उसे अपने लेखों में लिखा था। बिहार बंगाल वाले रीजन में जो भी उस वक्त के राजनीतिक हालात थे, धार्मिक हालात थे, सामाजिक हालात थे, उसके बारे में शुंगयुन ने लिखा। उसके बाद वेन सांग यात्रियों के राजकुमार कहे जाते हैं। सभी आप जानते हैं कि ये सातवीं शताब्दी की शुरुआत में 629 से 645 के बीच में रहे, हर्षवर्धन के टाइम आए थे और इन्होंने किताब लिखी थी सी यू की। तो वेन सांग जो हैं इनकी किताब सी यू की में पाश्चात्य संसार के बारे में और उस समय के तात्कालिक भारत की दशाओं के बारे में काफ़ी कुछ मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं के उस वक्त या बौद्ध विहारों के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा था। एक तरह की इनकी स्टडी थी वेन सांग की, कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, अभी बौद्ध भिक्षु या उन जो धर्म ग्रंथ हैं उनका तात्कालिक हालात कैसे हैं, इस बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी किताबों में लिखा था, ठीक है। तो वेन सांग की किताब सी यू कि मैं आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो प्रमाण के तौर पर हमें उस वक्त की तात्कालिक राजनीतिक दशा के बारे में बताती हैं। और आखिरी जो थे वो थे इत्सेंग जो 673 यानी ये भी सातवीं शताब्दी में ही आए थे, पर सातवीं शताब्दी के लास्ट में आए थे, 673 से लेकर 675 एडी के बीच में ये भारत आए थे। और इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो थे भारत में हुए, जितने उस वक्त के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे उनकी आत्मकथाएँ लिखी थी।
इत्सिंग जो है इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी थी। ठीक है, तो ये चार चीनी लेखक एक्चुअली चार चीनी यात्रियों के भारत आने का ये क्रम है। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? नाउ विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पाकालीन संस्कृति से संबंधित सत्य है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सत्य कथन बताना है इनमें से। मन के बनाने के कारखाने चनहुदड़ों से मिले थे, तांबे की कुल्हाड़ी बनावली से मिली थी, कलश शवाधान मांडा से मिला था, और आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, मन के बनाने के कारखाने चनहुदड़ों से मिले थे, बीड मेकिंग फैक्ट्री वॉज फाउंड एट चनहुदड़ो। बाकी दोनों गलत। तो ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा समझ ही गए होंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन से है, और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस उस टॉपिक से आते हैं यानी जो डेटा वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें जितने शहर हड़प्पाकालीन हमें मिले हैं उनके ऊपर के कुछ फैक्ट्स पूछता है, जैसे कि वो शहर कहाँ स्थित हैं, कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं, उनकी खोज किसने कब की, और चौथे तरह का फैक्ट उन शहरों के बारे में कुछ विवरण पूछता है कि बताएं उन शहरों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो आपको प्रमुख 5-7 जो शहर हैं, ख़ासतौर पर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगान, लोथल, सूरकोतड़ा, बनावली, रंगपुर, धौलावीरा, ठीक, अलाहदीनो, ऐसे 7-8 इम्पॉर्टेंट जो साइट्स हैं हड़प्पाकालीन, वहाँ से जो जो इम्पॉर्टेंट, या आलमगीरपुर भी, वहाँ से जो जो इम्पॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ता है। तो उन्हीं में से स्टेटमेंट दिए कि जो जगह और साक्ष्य बताया है उस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि मन के बनाने के कारखाने चनहुदड़ों से मिले। तो चनहुदड़ो जो है वो एक हड़प्पाकालीन साइट है जो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक, और ये एक ऐसा साइट है जो सभी ने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि चनहुदड़ो एक ऐसा साइट है जहाँ पर कोई आपको रेजिडेंशियल एरिया नहीं मिला, ये पूरी तरह से एक औद्योगिक नगर था, ये पूरी तरह से एक इंडस्ट्रियल एरिया था, कोई आपको सिटेडल नहीं मिलेगा, कोई आपको रेजिडेंशियल एरिया नहीं, कि ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी कि जहाँ पे आम लोग रह रहे होंगे, रहवासी क्षेत्र कहीं नहीं मिलेगा। चनहुदड़ो पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ पे कई तरह की फैक्ट्रीज मिली थी, उन्हीं में से एक तरह की फैक्ट्री थी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज, मन की यानी कि मूर्तियाँ वगैरह बनाया करते थे, प्रसादन के सामान जितते हुआ करते थे, ठीक है, टॉयज जितते हुआ करते थे, सब वहाँ पे बनाए जाते थे, तो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज वहाँ पे मिली थी, ये बिल्कुल सही क्योंकि वो एक औद्योगिक नगर था। तो ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत इसलिए कि उसमें लिखा ना कि तांबे की कुल्हाड़ी बनावली से मिली थी। देखो, कॉपर जो है वो एक मेन मेटल था जिसका इस्तेमाल कई चीज़ों में ये लोग किया करते थे, पर तांबे से बनी कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो बनावली से नहीं, रोपर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें बनावली नहीं, वो तांबे की कुल्हाड़ी रोपर पंजाब से मिली थी। और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ना कि कलश शवाधान मांडा से मिला था, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये कलश शवाधान जो है ये मांडा से नहीं, सूरकोतड़ा से मिला था। सूरकोतड़ा गुजरात, रोपर पंजाब, कलश ब्यूरियल का मतलब जिसे हमको इंग्लिश में कहते हैं पॉट ब्यूरियल्स, पॉट ब्यूरियल्स मतलब शवों को बड़े बड़े मटकों में रख करके उन मटकों के साथ दफना दिया जाता था, इसको बोला जाता था पॉट ब्यूरियल से कलश शवाधान। तो इसका जो साक्ष्य हमें मिला गुजरात के सूरकोतड़ा से मिला है, ना कि कश्मीर के मांडा से। ठीक है, इसलिए तांबे की कुल्हाड़ी रोपर से मिली, इसलिए बनावली गलत दिया हुआ है, और कलश शवाधान जो है वो सूरकोतड़ा से मिला और मांडा गलत दिया हुआ है, इस वजह से दोनों स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट वाला राइट। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रही थी कि इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करेंगे, अलग अलग साक्ष्य जो मिले हैं हड़प्पाकालीन संस्कृति से। विद दैट नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? एक बुक का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, और आपको उसके ऑथर या राइटर का नाम पूछा है, हेरोडोटस, टॉलमी, प्लीनी या सुलेमान। ठीक, व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा सी, प्लीनी। देखिए, अगेन ये क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों में से है, सोर्सेज में से है। कई सारे लेखकों ने भारत के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे,
अभी अभी हमने देखा कि चीनी लेखकों ने भी लिखे थे, रोमन यूनानी लेखकों ने भी लिखे थे और इंडियन लेखकों ने भी। तो रोमन लेखक यानी कि यूनानी जो लेखक थे उनने भी कई सारे ऐसे तथ्य भारत के बताए अपने किताबों में जिससे प्राचीन भारत का इतिहास क्लियर होता है हमें। तो उन्हीं में से एक किताब थी नेचुरल हिस्टोरिका, जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देती है। ठीक, तो ये जो किताब है ये प्लीनी द एल्डर ने लिखी थी। नेचुरल हिस्टोरिका एक तरह की आप आज के समय की ज्योग्राफ एक इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए। एक्चुअली ये कोई एक किताब नहीं थी, ये किताब में करीब 37 बुक्स का एक संकलन था। ये 37 बुक्स जो 10 वॉल्यूम्स में लिखी गई और इसमें ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सभी चीज़ों के बारे में चीज़ें लिखी गई। शुरू की जो 10 किताबें हैं वो प्लीनी द एल्डर ने लिखी 77 AD में, 77 ईस्वी में ये लिखी गई। बाद में इन्हें पूरा कंपाइल हुआ 77 ईस्वी में। प्लीनी द एल्डर ने 10 किताबें लिखी, फिर इनकी मृत्यु के बाद प्लीनी द यंगर ने बाकी की किताबों को कम्प्लीट किया। ठीक है, तो नेचुरल हिस्टोरी का एक्चुअली बहुत सारी किताबों का संकलन है जिसकी शुरू की 10 प्लीनी द एल्डर ने लिखी थी, 77 ईस्वी में ये कंपाइल हुई थी और बाकी की जो किताबें हैं वो प्लीनी द यंगर ने लिखी थी। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ऐतिहासिक स्रोतों के ऊपर से सवाल था प्राचीन भारत से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सामवेद के मंत्र मुख्यतः किस देवता को समर्पित हैं? सूर्य देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता या इनमें से कोई नहीं? सामवेद से क्वेश्चन है, मतलब वैदिक साहित्य से सवाल है कि उसके मंत्र किससे रिलेटेड हैं, किसे डेडिकेटेड हैं। क्या होगा इसका आंसर? होगा ए, सूर्य देवता, यानी द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड सन। ठीक, ये क्वेश्चन जैसे कि अभी अभी मैंने कहा वैदिक साहित्य से है। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है वैदिक लिटरेचर या वैदिक काल, जिसको मुख्य तौर पर हम जो पढ़ते हैं वो चार वेदों के तरीके से पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके बाद उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उसके बाद उपनिषद या साथ ही साथ पुराण, ठीक, रामायण, महाभारत, मतलब ये सारी चीज़ों को हम इसी टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। मतलब वैदिक काल के दौरान ही हम वैदिक साहित्यों को ऐतिहासिक तौर पर पढ़ते हैं। तो वैदिक साहित्य से ये सवाल है, चारों वेद में जो ये साम वेद है उसके ऊपर क्वेश्चन है। सभी जानते हैं कि साम वेद में साम का अर्थ होता है गान। इस वेद से हमें सात स्वरों की जानकारी मिलती है और इसीलिए इस वेद को भारत के संगीत का जनक माना जाता है। इट इज़ अ बुक ऑन म्यूजिक, साम वेद इज़ अ बुक ऑन म्यूजिक, संगीत पर लिखा ग्रंथ है। दरअसल इसकी रचना ऋग्वेद के मंत्रों को गायन शैली में कैसे गाया जाए या पढ़ा जाए उसके लिए की गई थी। 75 श्लोकों को छोड़कर के, 75 वर्सेस को छोड़कर के बाकी सब इसमें ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके पढ़ने वाले ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है और इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। मैंने अगर आप जो चीज़ अभी मैंने बताई अगर उसे एक बार रिपीट करके सुनेंगे तो मैंने इस सामवेद से रिलेटेड कम से कम 4-5 फैक्ट्स आपको बताए हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता है, उपवेद गंधर्व वेद है, इट इज़ अ बुक ऑन म्यूजिक, 75 वर्सेस को छोड़कर बाकी सब इसके ऋग्वेद से लिए गए। और इसके जितने मैक्सिमम मंत्र हैं ना वो सूर्य देवता को समर्पित हैं। जब आप पढ़ते हैं, आप ऋग्वेदिक काल भी पढ़ते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि सूर्य के कई सारे प्रकार और कई सारे नाम थे जिनकी पूजा होती थी। मैं नहीं कह रही कि सूर्य देवता जो थे वो मुख्य देवता थे उस समय, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में तो इंद्र जो थे वो मुख्य देवता थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा जो थे वो मुख्य देवता थे आर्यों के। लेकिन अगर आप मंत्रों की बात करें तो सामवेद के मैक्सिमम मंत्र जो हैं वो सूर्य देवता को ही समर्पित हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन वैदिक लिटरेचर। ठीक, तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जैनिज्म। जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मवाद पर विश्वास करता है। दूसरा है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के कुछ साहित्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। और लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका मतलब यह है आउट ऑफ ऑल द 3 स्टेटमेंट्स गिवन अबव नन आर इनकरेक्ट।
मतलब इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है जैन धर्म से रिलेटेड। तो देखिए, जैन धर्म भी प्राचीन भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की पर्सनल लाइफ से और उनकी डॉक्ट्रिन्स यानी उनकी शिक्षाओं से पूछते हैं। उसके अलावा इनके ऊपर के जो साहित्य हैं उनसे पर भी सवाल काफ़ी बनते हैं। तो उस पर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, देखो ये सब ट्रू है, कहा मैंने, क्योंकि इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं, मतलब तीनों ही ट्रू हैं। तो पहला देखो, जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मवाद पर विश्वास करता है, ये ट्रू इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। हालांकि जैन धर्म के पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है वो ये है कि रीइंकार्नेशन ऑफ सोल पर वो बिलीव करता है, क्योंकि जैन धर्म जो है वो आत्मवादी होता है और बौद्ध धर्म अनात्मवादी। तो जैन धर्म ऐसा है कि जो आत्मा होती है उसी का रीबर्थ होता है, उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक है, तो उसके पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी अलग है। ठीक। कर्मवाद मतलब एक्शन ओरिएंटेड थ्योरी, इसका मतलब ये है कि सम्यक कर्म यानी कि अगर आप सही कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, तो ये कर्मवाद की थ्योरी को जैन धर्म मानता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो देखो, जैन धर्म कर्मवाद पे भी बिलीव करता है और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, तो ये स्टेटमेंट सही। दूसरा, इसके ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं ये अर्धमागधी लैंग्वेज में लिखे गए, बिल्कुल सही। देखो, आप सभी जानते हैं कि 6वीं शताब्दी जो थी उसी की शुरुआत में जैन धर्म भारत में फैला, और उस वक्त उसके बाद जितने भी किताबें लिखी गई वो मगध के आसपास में जो प्रभावी लैंग्वेजेस थी उन्हीं में लिखी गई थी। तो एक्चुअली उस टाइम प्राकृत लैंग्वेज काफ़ी चला करती थी, तो ये जो किताब है ये प्राकृत की एक तरह की शैली है, अर्धमागधी प्राकृत। वैसे इस शैली में ही मैक्सिमम किताबें लिखी गई। जैसे अगर मैं कुछ किताबों का जिक्र करूँ तो इनके जो 12 अंगाज लिखे गए, 12 उपअंग लिखे गए, उपअंगाज, ठीक है। उसके अलावा इनके जो छेद सूत्र लिखे गए, ठीक है, प्राकरण लिखे गए, ठीक है। तो उपअंग हो गए या अंग हो गए या छेद सूत्र हो गए, प्राकरण हो गए, ये सब अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में ये श्वेतांबरों का साहित्य है, जो जैन धर्म है ना, दिगंबर श्वेतांबर। तो श्वेतांबर साहित्य जितने लिखे गए हैं ना वो अर्धमागधी लैंग्वेजेस में लिखे गए, ये सब आपको अर्धमागधी लैंग्वेजेस में मिलेगी। बट लेकिन अगर आप कुछ और जैन टेक्स्ट देखें, जैसे कि भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, ये संस्कृत में लिखी गई है। ये भी एक जैन धर्म की ग्रंथ है, लेकिन ये किस में लिखा गया, कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत में लिखा गया है, भद्रबाहु ने इसे लिखा था। ठीक, तो ये आपको अर्धमागधी लैंग्वेज में मिलेगा, कल्पसूत्र जो है वो आपको संस्कृत में मिलेगा। तो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जैन धर्म के मैक्सिमम जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में है, वो सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि सम लिटरेचर आर इन संस्कृत एज वेल, ये भी सही है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो जब भी आप जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ें तो उनकी पर्सनल लाइफ यानी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की पर्सनल लाइफ, दूसरा हिस्सा आप पढ़ें उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, और तीसरा हिस्सा पढ़ें उनसे जुड़े साहित्य। ठीक, ये तीन हिस्सों में आपको ये दोनों जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे उस वक्त के प्राचीन भारत के, उसको कंप्लीट करना है। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। हम एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा रहे हैं एक्चुअली। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में सबसे वृहत्तम कौन सा है, अमंग दी ऑल दी त्रिपिटकास, सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट कौन सा पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, या इनमें से कोई नहीं। वॉट विल बी द आंसर, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, सुत्त पिटक, ये सबसे बड़ा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म से है, बुद्धिज्म से है, और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं त्रिपिटक, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम पाली कैनन्स कहते हैं, पाली कैनन, या हम इसे त्रिपिटक कहते हैं या थ्री बास्केट्स कहते हैं। एक्चुअली पीटक जो है ना, ये ऐसे ग्रंथ थे जिन्हें लकड़ी की बास्केट में लिखकर पाम लीव्स पर लिखा गया था और लकड़ी की बास्केट में रखा गया था, इस वजह से इनको पीटक कहा गया। पीटक का मतलब ही वो बास्केट होती है, ठीक है। तो त्रिपिटक मतलब तीन ऐसे ग्रंथ हैं जिनका संकलन त्रिपिटक कहलाता है, थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिज्म कहा भी जाता है उसे। तो इसे इंग्लिश में हम पाली कैनन कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर से क्वेश्चन है, तो ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला है सुत्त, दूसरा है विनय,
और तीसरा है अभिधम्म, ठीक है, सुत्त विनय और अभिधम्म। ये सुत्त और विनय जो है ये 483 BC में जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसमें इसका संकलन हुआ, और अभिधम्म पीटक जो है इसका संकलन 251 BC में जो तीसरी बौद्ध संगति, ये फर्स्ट वाली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसमें इसका संकलन हुआ, और जो थर्ड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें इसका संकलन हुआ। ठीक है, आपने बौद्ध संगतियाँ पढ़ी, चार बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उनमें से पहली वाले में सुत्त और विनय का कंपाइलेशन हुआ, और जो तीसरी वाली थी अभिधम्म पीटक का उसमें कंपाइलेशन हुआ। तो ये तीन पीटक या पाली कैनन्स कहलाते हैं। सुत्त पीटक इज नोन एज अ बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। विनय पीटक को हम कहते हैं बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक। और अभिधम्म पीटक को हम कहते हैं बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन्स, हायर डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। तो सुत्त विनय अभिधम्म पीटक थे इम्पॉर्टेंट थ्री पीटक इन्हें बोला जाता है। सुत्त और विनय पीटक जो है वो पहले बौद्ध संगीत है। तो सुत्त पीटक का क्या मतलब होता है, इसमें एक्चुअली गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। मैं एक एक लाइन में तीनों को बताती हूँ। सुत्त पीटक मतलब गौतम बुद्ध के जो ओरिजिनल उपदेश थे, जो सर्मन्स थे, उनका कंपाइलेशन है सुत्त पीटक। विनय पीटक इज अ बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वालों के लिए कुछ डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशन एंड आचार संहिता की किताब है विनय पीटक। और तीसरा जो अभिधम्म पीटक है वो सुत्त पीटक में जो भी उपदेश या सर्मन गौतम बुद्ध के हैं उनकी व्याख्या है। सुत्त पीटक ओरिजिनली गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पीटक रूल रेगुलेशन बौद्ध धर्म के, और अभिधम्म पीटक जो है वो गौतम बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये तीनों पीटक हैं जिसे त्रिपीटक कहा जाता है। इसमें से जो सुत्त पीटक है ये सबसे बड़ा है। गौतम बुद्ध के उपदेशों को 10,000 सूत्रों में इसमें संकलित किया गया। देर आर 10,000 सूत्रास या सुत्त बोला जाता है, इसलिए इसको सुत्त पीटक को, ठीक है। तो 10,000 इसमें सूत्र हैं जो गौतम बुद्ध के ओरिजिनल उपदेश है, इसलिए बृहत्तम, ठीक है। हालांकि अभिधम्म पीटक भी 7 किताबों में बटा हुआ है, लेकिन इसका टोटल वॉल्यूम भी जो है वो सुत्त पीटक के बराबर नहीं है। इसलिए आउट ऑफ ऑल द थ्री पीटक्स सुत्त पीटक इज द लार्जेस्ट पीटक या बिगेस्ट पीटक। समझ में आई बात, ठीक। सो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म। देर आर मेनी मोर, हम आगे के जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म और सभी टॉपिक्स से ऐसे एक एक क्वेश्चन जरूर लेंगे अगले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा महाजनपद एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है, मल्ल पावापुरी, मत्स्य विराटनगर, अश्मक शक्तिमती और कौशल श्रावस्ती। इसमें से कौन सा मैच नहीं है, महाजनपद दिए गए और उसका कैपिटल दिया है, आपको बताना है कौन सा मैच नहीं है करेक्टली। इसका सही आंसर होगा सी, अश्मक सुक्तिमती, मतलब ये इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी तीन महाजनपद और राजधानी करेक्टली मैच्ड हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन महाजनपद काल से लिया गया है, जो प्राचीन भारत के इतिहास है उसमें से। आप सभी जानते हैं कि करीब करीब 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व के बीच में इंडिया में महाजनपद एरा रहा, या मैं कहूँ महाजनपद काल, महाजनपद रहे। और एरा अगर बोलोगे तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में रहा। फिर हुआ ऐसा कि महाजनपदों में जो मेन महाजनपद थी या सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी मगध, उसका काल आया और उसके बाद के काल को आप मगध काल कहते हैं। पर करीब करीब 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल के अंत अंत में पूरा भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड हो गया था। क्या है, जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो अंत में उत्तर वैदिक काल के अंत में आप ये पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक के भारत में जो वंशानुगत राजतंत्र है वो हावी होने लगता है, अलग अलग एरिया में राजतंत्र की यानी मोनार्की की शुरुआत होने लगती है। तो इस वजह से भारत अलग अलग महाजनपदों में यानी वर्तमान में जैसे आप राज्य या स्टेट्स बोलते हैं उसमें डिवाइड होने लगता है। तो जैसे उत्तर वैदिक काल का अंत होता है तो इंडिया उस वक्त तक 16 महाजनपद यानी 16 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी प्रशासनिक इकाइयों में बढ़ चुका रहता है, जिसमें से 2
गणतंत्र रहते हैं और बाकी सारे के सारे राजतंत्र रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है, महाजनपदों में आपसी जो रंजिश होती है उसमें फाइनली ऐसा होता है कि मगध स्ट्रेटेजिकली सबसे शक्तिशाली उभर कर आता है और फिर उसके बाद से मगध काल शुरू हो जाता है। तो ये इस टाइम महाजनपद एरा से क्वेश्चन उठाया है। यहाँ से आपको याद क्या करना रहता है, इन 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी। ये पूरा एक रटने वाला फैक्ट है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, किस एरिया में थे और उनका कैपिटल क्या था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है, नाम दे दिया महाजनपदों के और सामने राजधानियाँ दे दिया है। कौन सी इनकरेक्टली मैच है तो आपको वो लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। तो देखो, मल्ल की राजधानी पावापुरी बिल्कुल सही, देवर या गोरखपुर के पास है, ये बिल्कुल सही मैच्ड है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर ये जयपुर के पास है, ये भी सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती ये फैजाबाद के पास है, ये भी सही है। पर जो अश्मक जो महाजनपद लिखा है इसकी राजधानी सुक्तिमती नहीं है, इसकी राजधानी पोतन या पोटली है, ठीक है, पोतन या पोटली, ये अश्मक की राजधानी है। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली है। ये वाला जो एरिया है पोतन या पोटली या अश्मक वाला एरिया, ये एक्चुअली जो दक्षिणापथ वाला एरिया है वहाँ पर ये महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर अश्मक महाजनपद स्थित था, उसकी राजधानी ये। ये जो शुक्तिमती दिया है ना, ये एक्चुअली चेदी महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। तो किसी और महाजनपद की राजधानी यहाँ पर मैच करके दे दिया, इसलिए इनकरेक्ट है। सो आपको यहाँ से याद क्या करना है अपने प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने सभी प्रजा मनुष्य को अपनी संतान किस शिला लेख में कहा? पृथक कलिंग शिला लेख, प्रथम शिला लेख, द्वितीय शिला लेख या तृतीय शिला लेख। ये अशोक यानी मौर्य एम्पायर के सबसे फेमस राजा से क्वेश्चन है और उसके शिला लेखों से क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा ए, सेपरेट कलिंगा इंस्क्रिप्शन। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल से ही भारत का राजनैतिक एकीकरण शुरू होता है और ना सिर्फ मौर्य काल का बल्कि पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे फेमस अगर सम्राटों में से किसी को गिना जाता तो वो है अशोक। और अशोक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन उसके द्वारा लिखे गए अभिलेखों से बनता है। आप सभी जानते हैं कि अशोक जो है वो पहला शासक था भारत का जिसने अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस लिखने की प्रथा शुरू की। उसने रॉक एडिक्ट्स मतलब शिलालेख, उसने पिलर एडिक्ट्स मतलब स्तंभ लेख और केव इंस्क्रिप्शंस यानी गुहा लेख लिखवाए थे, जिसमें से इसके रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स यानी शिला लेख और स्तंभ लेख काफ़ी फेमस हैं। और इन्हीं से हमें अशोक और मौर्यकालीन राजनीति, धर्म और समाज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो इन शिला लेखों पर से कई सवाल बनते हैं, जैसे कि इन शिला लेखों को पढ़ने में सफलता किसे सबसे पहले मिली, ये शिला लेख किस लैंग्वेज में, किस लिपि में लिखे गए हैं, ठीक, कौन सा शिला लेख, कौन सा स्तंभ लेख कहाँ पर है, ये सभी तरह के क्वेश्चंस इस पे से बनते हैं और आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। शिला लेखों की बात करें तो मेजर और माइनर अलग अलग तरह के ने, वृहद और लघु अलग अलग तरह के उन्होंने शिला लेख लिखवाए थे, जिसमें से अगर आप मेनली देखें तो 14 शिला लेख हैं जो 8 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। देवर 14 रॉक एडिक्ट्स जो हमको 8 जगहों से मिलते हैं, ठीक, और वो कहाँ कहाँ से मिले हैं और स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से मिले, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लें। उसके अलावा इन्होंने पृथक शिला लेख भी लिखवाया। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका हैज सेड ऑल सब्जेक्ट्स ह्यूमंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इज चिल्ड्रेन, ये वाला वक्तव्य उन्होंने किस शिला लेख में दिया है, तो ये वो सेपरेट शिला लेख में, याद रखिएगा, इनके पहले तीसरे पाँचवें सातवें और तेरहवें शिला लेख, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहले तीसरे पाँचवें सातवें और तेरहवें शिला लेख में क्या मेन सब्जेक्ट है, क्या मेन उन्होंने कहा है, इस पर से भी क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक। और इनके अलावा सेपरेट शिला लेख में उन्होंने क्या कहा, इस पर से भी क्वेश्चन बनता है और वहीं से क्वेश्चन बना है। तो ये जो प्रथम पृथक शिला लेख था जिसे हम कलिंग लेख के नाम से भी जानते हैं, उसमें अशोक कहते हैं कि सभी प्रजा मेरी संतान है और जिस तरह से मैं अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी प्रजा की भी कल्याण की कामना करता हूँ। तो इसी पृथक कलिंग शिला लेख में उन्होंने लोगों को, अपनी प्रजा को अपनी संतान तुल्य बताया है।
ठीक, तो याद रखिएगा सेपरेट शिलालेख और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और थर्टींथ में अशोक ने क्या क्या मेन चीज़ें लिखी हैं, इन पर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अदर देन दैट अशोक इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, लेटर ऑन जब हम अगले और वीडियोस बनाएंगे उसमें हम इनमें से और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ए, सेपरेट कलिंगा इंस्क्रिप्शन। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? विच गुप्ता रूलर इशूड द अश्वमेघ टाइप ऑफ कॉइन्स? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? वेरी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी, कुमारगुप्त। तो देखिए, ये अगेन मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, वो है गुप्तकाल। आप देख सकते हैं आज के इस लेक्चर में, आप देख सकते हैं कि इतिहास, प्राचीन इतिहास में से जो जो टॉपिक सीक्वेंस में रहते हैं उन उन सभी टॉपिक से हमने एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक्स बच जा रहे हैं या हर एक टॉपिक में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अगले वीडियो में भी हम डील करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन गुप्तकाल से है। गुप्तकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो उत्तराधिकारी थे, कुमारगुप्त प्रथम जिन्हें हम महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है ये। कुमारगुप्त जिन्होंने 415 से लेकर 455 ईस्वी के बीच में रूल किया, इनके नाम मेन जो एक्टिविटी आती है जिस पर से क्वेश्चन बनता है वो तो आप सभी पढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था। उसके अलावा अक्सर एक क्वेश्चन गुप्तों पर से बनता है कि किस गुप्त शासक ने कौन से सिक्के चलाए थे। आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल जो है उसमें सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले थे, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स वर सर्कुलेटेड ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। देखो, सोने के सिक्कों का, ये सिक्कों का भी एक इतिहास आपको पढ़ना रहता है ना, जैसे पहली बार सोने के सिक्के यूनानियों ने इंट्रोड्यूस किए थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कुषाणों ने चलाए थे, यानी कि कनिष्क ने चलाए थे, और सर्वाधिक मात्रा में यानी संख्या में सोने के सिक्के जो रिलीज किए थे वो गुप्तों ने किए थे। तो इस वजह से अक्सर एक क्वेश्चन हर शासक से बनता है कि कौन से गुप्त शासक ने कौन से प्रिंट के, कौन से स्टाइल के, कौन से तरीके के सोने के सिक्के चलवाए थे। तो उसी में से कुमारगुप्त पर से क्वेश्चन बना है, क्योंकि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और अश्वमेघ प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो ये अश्वमेघ यज्ञ से भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्राचीन भारत में किन किन शासकों ने अश्वमेघ यज्ञ या राग सूर्य यज्ञ करवाए थे। ठीक है, तो 3-4 शासकों के नाम उसमें आते हैं, उनमें से एक कुमारगुप्त भी है। तो क्योंकि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, इस वजह से अश्वमेघ प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ठीक है, तो आप इसे रिपीट में देखें, मैंने 3-4 चीज़ों में बताया है कि गुप्तों में आपको क्या फोकस एरिया करना है। तो गुप्त वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कह सकती हूँ मैं कि अशोक के बाद अगर आप देखें तो गुप्त ही अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी पूरे एंशियंट हिस्ट्री में। गुप्तों के, राजाओं के अबाउट्स यानी उनकी जानकारियाँ, गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन स्थापत्य, गुप्तकालीन साहित्य, ख़ास तौर पर इन सबसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, और अबाउट्स जो पढ़ते हो आप राजाओं के, राइट फ्रॉम चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेकर लास्ट रूलर तक के जो आप अबाउट्स पढ़ते हो, उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है सिक्कों पर से कि किसने कौन से स्टाइल के सिक्के चलवाए थे, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर इस वजह से होगा कुमारगुप्त अश्वमेघ टाइप के सिक्के। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, किस चालुक्य शासक ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर फोर्थ, विक्रमादित्य सिक्स या तैलप सेकंड? ये क्वेश्चन उत्तर गुप्त काल यानी गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता एरा से पूछा गया है, चालुक्य वंश से पूछा गया है। बताएं क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए, सोमेश्वर प्रथम। देखिए, जैसे कि अभी कहा मैंने, लेट पोस्ट गुप्ता एरा जो करीब करीब आपके 550 AD से लेकर के 800 AD यानी ईस्वी के बीच में भारत में थी, इसमें 5-7 इम्पॉर्टेंट शासक यानी कि राजवंश थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसमें प्रमुख तौर पर अगर आप देखेंगे तो पुष्यभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पाल, ये कुछ मेन वंश इस समय में आप पढ़ते हैं, जिनमें से जो चालुक्य हैं
इनका जो एरिया था, जो एम्पायर एक्सपेंशन था, जो स्प्रेड था, वो कर्नाटक वाला जो एरिया वहाँ पर था। इनके ऊपर राष्ट्रकूट थे और इनके नीचे पल्लव, ठीक है। तो कर्नाटक वाले एरिया में चालुक्यों का राज था। तो चालुक्यों की एक शाखा थी जिसका नाम है कल्याणी के चालुक्य। जिस राजा का नाम मैंने उत्तर में लिया सोमेश्वर प्रथम, ये एक्चुअली कल्याणी के चालुक्य के एक शासक थे, ठीक है। मैंने क्या कहा, चालुक्य वंश जो है उसकी एक शाखा थी जिसका नाम था कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी इनकी राजधानी थी, कल्याणी के चालुक्य, इसी के एक शासक थे। एक्चुअली तैलब सेकंड के टाइम पे ये स्थापना हुई थी इस शाखा की। तो इसी के एक शासक थे सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर फर्स्ट, 1043 ईस्वी, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेट कहा है, हालांकि ये धीरे धीरे आगे चलती गई थी। करीब करीब 1000 ईस्वी तक के भी पूरा उत्तर गुप्त काल चला था। जो मेन टाइम पीरियड था वो ये था, लेकिन शासक जो थे उसके बाद भी थे। तो 1043 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम जो है वो कल्याणी के चालुक्य के शासक बने। और इन्होंने ही एक्चुअली जो कल्याणी के चालुक्य का उदय हुआ था ना, वो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ था। जो ऊपर राष्ट्रकूट थे चालुक्य के नीचे कर्नाटक वाले रीजन में, ऊपर महाराष्ट्र वाले रीजन में राष्ट्रकूट, उनके पतन होने के बाद जो है ये कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ था। और ये जो सोमेश्वर वन राजा थे, इन्होंने ही मालखेड से कल्याणी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो सोमेश्वर प्रथम के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ वो चोल राजाओं का। चोल राजाओं ने कई बार इनके ऊपर आक्रमण किया, राजाराज जो हैं उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया और विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। और सोमेश्वर प्रथम चोल राजाओं से कई बार हारे। ख़ासतौर पर अगर आप देखें कोप्पम और कुडल संगमम के दो युद्ध चोलों से ये बहुत बुरी तरह से परास्त हुए थे इन दोनों युद्धों में, कोप्पम और कुडल संगमम युद्धों में। और कहा जाता है उसी से निराश होकर के इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जाकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये क्वेश्चन वही पूछा है कि कौन सा चालुक्य रूलर था जिसने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। तो याद रखिएगा, चोलों से लगातार परास्त होने के कारण सोमेश्वरवन जो कल्याणी के चालुक्य के एक रूलर थे, उन्होंने तुंगभद्रा में आत्महत्या की थी। इज दैट क्लियर? विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न से कौन सा कथन चोल शासक राजाराज प्रथम से संबंधित नहीं है। चोल वंश रूलर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। लॉ एवं रक्त नीति का पालन करते हुए राजाराज की उपाधि धारण की। चोल झील का निर्माण करवाया या इनमें से कोई नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राजाराज फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है, मतलब बाकी के जो होंगे वो रिलेटेड होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, इसने चोल झील का निर्माण करवाया। तो देखिए ये क्वेश्चन दरअसल प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास या लेट एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। ये वो टर्मोइल पीरियड था इंडिया का जिसमें उत्तरगुप्त काल ख़त्म हो रहा था, राजपूत काल आ चुका था और मध्यकाल पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ था आप कह सकते हैं। इस पार्ट को हम मध्यकालीन इतिहास में भी प्रारंभिक तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इन राजवंशों का प्रभाव उत्तरगुप्तकालीन राजवंशों पर भी था, इसलिए उत्तरगुप्त काल के बाद भी हम इनको पढ़ते हैं। दरअसल ये दक्षिण भारत का प्रत्येक इतिहास के तौर पर हम पढ़ते हैं इसे। तो चोल जो वंश था ये 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में, 9th to 12th century AD के बीच में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसका विस्तार था, ठीक। और इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर, ठीक है। तो इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था विजयालय, विजयालय। तो विजयालय फाउंडर थे चोल वंश के, राजधानी तंजौर थी, 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में इनका जो विस्तार था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रीजन में था। लेकिन इनके जो सबसे फेमस राजा थे वो थे राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आजकल PSC से आते ही हैं, इन दोनों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उन्हीं में से एक शासक राजाराज प्रथम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। जो राजाराज प्रथम है, राजाराज प्रथम, ठीक है, इन्होंने 985 ईस्वी में शासन ग्रहण किया था। उनके शासन काल के कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और पूछा है कौन सा इनसे रिलेटेड नहीं है। तो भाई पहला स्टेटमेंट है कि तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर उनका निर्माण इन्होंने करवाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि सन 1010 ईस्वी में
1010 ईस्वी में इन्होंने ही जो तंजौर में फेमस बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो ये सही है लिखा है। इसने लॉ एवं रक्त नीति का पालन करते हुए राजा राज की उपाधि ग्रहण की, बिल्कुल सही। इनके जो पितामह थे, जिनके दादा थे पारंतक द्वितीय, उनकी वो नीति थी जिसे हम आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहते हैं, जो एक तरह से स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को अपनाने की एक नीति थी, जिसमें ये लोग युद्ध के जरिए एम्पायर विस्तार करना चाहते थे। तो वो लॉ एवं रक्त नीति को ही इसने जारी रखा जो इसके दादा की नीति थी, और इस वजह से ही इसे राजा राज की उपाधि मिली थी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसे हमने कहा कि इसे रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, इसने चोल झील का निर्माण करवाया, ये गलत है। चोल झील का जो निर्माण है वो इसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने करवाया है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो चोल झील राजेंद्र फर्स्ट ने निर्माण करवाया, राजा राज फर्स्ट ने नहीं करवाया, इसलिए ये इससे रिलेटेड नहीं है और इस वजह से सी इसका आंसर है। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कन्नड़ साहित्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। कन्नड़ लिटरेचर से रिलेटेड है ये। पंपा पोन्ना रत्न 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंपा ने आदि पुराण, पोन्ना ने अनादि पुराण और रत्ना ने अजीत पुराण लिखा है। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी, पुन्ना ने अनादि पुराण लिखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली अगेन उसी 9th to 12th century AD के बीच का है। आप कह सकते हैं चोलों के प्रशासन के टाइम का ही है, दक्षिण भारत का ही है, कन्नड़ साहित्य से संबंधित है। तो देखिए चोलों के प्रशासन के टाइम ही वहाँ पे साहित्यकारों का काफ़ी उदय हुआ और 10वीं शताब्दी के आसपास 3 मेन साहित्यकार आए जो कन्नड़ साहित्य से संबंधित थे, पंपा पोन्ना और रत्ना, ठीक है। पंपा पोन्ना और रत्ना, ये 3 कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, त्रिरत्न, जिनका उदयकाल इन्हीं के टाइम था, चोलों के टाइम पर। और इन तीनों ने ही तीर्थंकरों पर कुछ लेख लिखे हैं। पंपा जो हैं इन्होंने लिखा जैसे कि दिया है आदि पुराण, पुन्ना जो हैं इन्होंने लिखा है शांति पुराण, और जो रत्ना है इन्होंने लिखा है अजीत पुराण, ठीक। पंपा ने लिखा है आदि पुराण, पोन्ना ने लिखा है शांति पुराण और रत्ना ने लिखा है अजीत पुराण। ये कन्नड़ साहित्य के 3 इंपॉर्टेंट साहित्यकार और उनकी रचनाएं जो तीर्थंकरों पर थी चोल प्रशासन के समय में, ठीक। वहीं से क्वेश्चन है, तो देखिए लिखा है कि फॉल्स कौन सा है। तो पहला है पंपा पोन्ना रत्ना 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के तीर्थ माने जाते, तभी मैंने कहा उसी स्टेटमेंट को इसने रिपीट कर दिया है। पंपा ने आदि पुराण लिखा, बिल्कुल सही। पोन्ना ने अनादि पुराण लिखा, इसको हमने आंसर क्यों लिया, क्योंकि इनकरेक्ट है, क्योंकि पोन्ना ने क्या लिखा है शांति पुराण, और तीसरा रत्ना ने अजीत पुराण लिखा है, ये बिल्कुल सही। इस वजह से इसका आंसर होगा सी, पोन्ना ने अनादि पुराण लिखा है, ठीक। सो दैट इज इट विथ टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एंशियंट हिस्ट्री। कल हम फिर से मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।